प्यारे ग्रामवासियों, दिन ब दिन हमारे गांव में लोगों और जानवरों की सुरक्षा कम होती जा रही है। अच्छा होगा हम कहीं और चले जाएं। इसी में हमारे जानवरों और हमारी भलाई है, क्या कहते हैं आप? लेकिन हम जाएंगे कहाँ? एक बहुत ही सुंदर जगह है जिसका नाम है वृंदावन, जो गोवर्धन पहाड़ के नीचे बसी हुई है। वहाँ हम और हमारे जानवर दोनों सुरक्षित और खुशहाल रहेंगे। वृंदावन जाने की नंद की सलाह का सभी गाँव वालों ने स्वागत किया। अगले ही दिन सबने अपना सामान बांधा और बैलगाड़ी से निकल पड़े। एक लंबी यात्रा के बाद सभी गांव वाले वृंदावन पहुंचे। वहां सभी के दिन अच्छे से गुजरने लगे। उधर कंस को कृष्ण की चमत्कारी शक्तियों के बारे में पता चला। उसे इस बात का अंदाजा हो चला था कि उसका सामना किसी साधारण बालक से नहीं है, और वो हर हालत में कृष्ण को मार देना चाहता था। और इस काम के लिए कंस ने पूतना के भाई बकासुर को भेजा। बकासुर, तुम्हें अपनी बहन की हत्यारे से बदला लेना है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। वो कौन है और वो मुझे कहाँ मिलेगा? उसका नाम है कृष्ण और वो वृंदावन में रहता है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे मार डालो। चिंता मत कीजिए महाराज, कृष्ण को मारना मेरा सौभाग्य होगा। ये जानने के बाद कि उसकी बहन को किसने मारा है, बकासुर गुस्से में वृंदावन के लिए निकल पड़ा। कृष्णा, उनके भाई बलराम और उनके दोस्त गायों को यमुना के किनारे चराने के लिए आए थे। काफी देर तक खेलने कूदने के बाद सब लोग नदी के पास पानी पीने आए। वहाँ उन्होंने बड़ी सी चोंच वाला एक बड़ा सा बगुला देखा, जो एक टांग पर खड़ा था। बच्चे डर गए, लेकिन कृष्ण को कुछ शक हुआ। मित्रों, मुझे नहीं लगता ये कोई आम बगुला है, तो तुम इससे दूर ही रहो, मैं देखता हूँ इसे। लेकिन कृष्णा, ध्यान से, कहीं तुम्हें कोई चोट न लग जाए। चिंता मत करो, हमारे कृष्ण को कुछ नहीं होगा। कृष्ण, तुम जाकर देखो, हम इस भयानक बगुले को यहाँ नहीं रहने दे सकते, ये गांव वालों को नुकसान पहुँचा सकता है। कृष्णा अपने मित्रों की तरफ देखकर मुस्कुराए और फिर बगुले की तरफ बढ़े। बगुले ने भी नन्हे से कृष्ण का अपने पास आने तक आराम से इंतजार किया। जैसे ही कृष्ण बगुले के पास पहुँचे, उसने उन्हें अपनी चोंच में दबाया और निगल गया। कृष्ण ने अपने आप को एक आग के गोले में बदल लिया और तभी बगुला का गला जलने लगा। जब उससे गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई, तब उसे खूब खांसी आई और उसने कृष्ण को उगल दिया। और फिर बगुला कृष्ण के पीछे भागा और अपनी चोंच से हमला किया।
कृष्ण ने उसकी चोंच पकड़कर चीर डाली। उन्होंने अपनी एक टांग उसकी चोंच पर रखी और अपने हाथों से उसकी चोंच को तोड़ दिया और बकासुर मारा गया। उनके मित्र ये देखकर बहुत खुश हुए। Come on, little bunnies. Give thumbs up for the video, share with your friends, and subscribe to our channel for more awesome videos.